हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको एक नए पोर्टल के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपका मोबाइल चोरी होता है तो आप किस तरह से कंप्लेंट करेंगे। और इस पोर्टल का लिंक मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। ये पोर्टल के बारे में आपको जानना इसलिए जरूरी है कि सिर्फ यहाँ पे आपको मोबाइल चोरी का कंप्लेंट ही नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी जानकारी है जो आपको बताना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये एक नया पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और इसमें मोबाइल चोरी का तो आप करेंगे ही कंप्लेंट, उसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो अगर आप एक मोबाइल यूजर हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अभी इतने सारे मोबाइल को ब्लॉक किया गया जो चोरी के मोबाइल थे, जो चोरी हुए थे, आपको मैं फिगर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 7,07,584 मोबाइल फोन को ब्लॉक किया गया, और उसमें से कितने मोबाइल मिले हैं ये भी देख लीजिए आप, 2,91,629 मोबाइल अभी तक यहाँ से रिकवर हो चुका है। और यहाँ पे ये भी डेटा दिया गया है कि कितने सारे रिक्वेस्ट आए, यहाँ पे लोगों ने कंप्लेंट किया तो 15,63,000 है, रिजॉल्व हुए जो केसेस रिजॉल्व हुए वो 7,00,000 है, मतलब आधा केसेस 50% के राउंड केसेस रिजॉल्व हो गए हैं, लोगों के मोबाइल मिले हैं यहाँ पे कंप्लेंट करने से। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, अगर आपका मोबाइल चोरी होता है तो आप यहाँ पे कैसे इसको कंप्लेंट करेंगे, ये जानकारी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ इस पोर्टल पे और भी क्या क्या चीजें हैं एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये मोबाइल यूजर के लिए एक इम्पोर्टेंट पोर्टल है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से लॉस्ट केस का ही बताता हूँ कि अगर आपका फोन खो जाता है, चोरी होता है, तो फिर आप उसको कैसे ट्रैक करना है, ये सारी आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सेक्शन दिया गया है कि मोबाइल ब्लॉक का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेंट्रल डेटा है। यहाँ से मतलब आप पूरा देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट से, लोकेशन से कितने मोबाइल जो है ब्लॉक्ड हुए और कहाँ से ट्रेस हुए हैं, ये सारी जानकारी भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरा पता चलेगा। देखिए ये जो लोकेशन दिया गया है, ये बिहार से कितना हुआ, चंडीगढ़ से, इस तरह से ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन आप अपनी कंप्लेंट को कैसे रेज करेंगे, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले मैं आपको ये वाला सेक्शन बताता हूँ। देखिए ये TAFCOP क्या है, यहाँ पे ये ऐसा चीज है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप जब आप कोई भी सिम कार्ड लेने जाते हैं तो वहां पे आप अपना प्रूफ देते हैं, आधार वगैरह देते हैं, और उससे आपको सिम आपको नाम पे अलॉट होता है। तो अगर आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड दे दिए और उस आधार कार्ड के बिहाफ पे हो सकता है रिटेलर किसी और को भी सिम कार्ड अलॉट कर दे, तो उस तरह से आपको पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे आकर के यहाँ पे अगर आप अपना डालेंगे आधार नंबर और मोबाइल नंबर डिटेल डाल करके और कैप्चा को फिल करके और फिर जो ओटीपी आपके नंबर पे आएगा उस ओटीपी को डालेंगे और फिर यहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आधार पे कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ये फीचर इस पोर्टल में दिया गया है, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि आपके आधार से कितने सारे फोन, कितने सारे सिम अलॉट हुए हैं और करंटली कितने सारे सिम चल रहे हैं। तो आपको वहां पे सारे डिटेल दिखाई देगा। तो आपको जो अगर लगता है कि ये मेरा सिम नहीं है और ये मेरे नाम पे ये गलत चल रहा है, तो आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं रिक्वेस्ट को कि ये मेरा नहीं है, यहीं पे खुलेगा पेज और यहीं पे आपको सबमिट करना होगा। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फिर आपको वहां से वो ट्राई के पास डेटा चला जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि ये गलत नाम पे सिम यूज हो रहा है, इसका मिसयूज हो सकता है, इसलिए आपके नाम से वो हटा दिया जाएगा और उसको ट्रैक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये फीचर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो आपको इसको भी देखना है कि आप
अगर चाहें तो इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको, अगर आपका लॉस्ट हो जाता है फोन तब आपको कैसे ये करना है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से कंप्लेंट करना होगा। ये लॉस्ट योर मोबाइल फोन, अब यहाँ पे अगर आपका फोन खो जाता है तो ये एक अलग सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे पूरा दिया गया है कि ब्लॉक योर स्टोलन मोबाइल, यहाँ पे लॉस्ट मोबाइल को ब्लॉक करना है। और ब्लॉक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन ये भी है कि अनब्लॉक भी कर सकते हैं, जब आपका फोन मिल जाएगा तो आप इसको अनब्लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक तीसरा जो टैब दिया गया है ये चेक योर रिक्वेस्ट स्टेटस, अब अपने आप आपने कंप्लेंट कर दिया और ऑनलाइन आपको ट्रैक करना चाहते हैं कि क्या है स्टेटस, मेरा फोन मिला या नहीं मिला, तो आप यहां से उस नंबर से चेक कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पे जो ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल लिखा है, सबसे पहले आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा। इस तरह से क्लिक करेंगे और यहां पे दोस्तों आपको पूरा डिटेल भरना होगा, तभी आपका आगे प्रोसेस होगा। सबसे पहले देखिए मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2 है, अगर आपका डुअल सिम है तो दोनों में अगर सिम था तो दोनों का नंबर डालना होगा। फिर यहां पे आईएमई नंबर 1 और आईएमई नंबर 2, दोनों आईएमई नंबर डालना होगा। अब बहुत सारे लोगों को आईएमई नंबर ही मालूम नहीं रहता है, इसीलिए आप अपने फोन का जो आपका रिसीट मिलता है, जो ओरिजिनल उसका बिल मिलता है, उस पे भी आईएमई नंबर लिखा रहता है, या आपका जो उसका जो डब्बा होता है, जो फोन नया में मिलता है आपको, उसके डब्बे के ऊपर भी आईएमई आई नंबर लिखा रहता है, या आपको उसको कहीं पे लिख करके अपने फोन का आईएमई आई नंबर रखना चाहिए, तभी आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइस का ब्रांड भरना होगा। दोस्तों यहाँ पे पूरा आप जब क्लिक करेंगे तो आपका फोन किस कंपनी का था, किस ब्रांड का था, यहाँ पे पूरा आपको ब्रांड डालना होगा। फिर आपका डिवाइस लॉस्ट मॉडल डालना होगा, जो भी आपका डिवाइस का मॉडल होगा, जो भी नाम होगा वो डालना होगा। फिर यहाँ पे आपको ये ऑप्शनल है, जो आपने परचेज किया था, जो इनवॉइस था, तो डाल दीजिएगा तो बेहतर होगा। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे और भी सारे डिटेल्स डालना होगा, लास्ट प्लेस जहाँ पे आपका फोन खोया है वहां का जगह, कौन सा स्टेट था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, उसके बाद किस डेट में खोया है, क्या टाइमिंग पे खोया है, और यहाँ पे आपको पुलिस कंप्लेंट, वहां पे जिस भी एरिया में खोएगा फोन उस एरिया का लोकल कोई थाना होगा वहां पे एक कंप्लेंट भी डालना पड़ेगा आपको, और कंप्लेंट का जो नंबर होगा यहाँ पे आपको डालना होगा, और फिर उस कंप्लेंट का जो भी आपको रिसीट मिलेगा उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, और फिर यहाँ पे कंप्लेंट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको आगे के जो भी एड्रेस है और ये कैप्चा वगैरह है, ये सारी डिटेल्स को भरना पड़ेगा आपको। और भरने के बाद फिर गेट ओटीपी आएगा, एक अल्टरनेट नंबर आप डाल दीजिए, उसका यहाँ पे नंबर डालिए, और फिर नीचे में ये चेक बॉक्स को डिक्लेयर कीजिए। चेक बॉक्स को डिक्लेयर करने के बाद फिर फाइनल यहाँ पे आपको सबमिट कर दीजिए। ऐसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद से आपका पूरा रिक्वेस्ट ऑनलाइन चला जाएगा और फिर पुलिस इस पे एक्शन लेना शुरू कर देगी और इसको ट्रैक करेगी आपके फोन को। और फिर जब ट्रैक हो जाएगा आपका फोन और जैसे मिल जाएगा तो फिर आपको इंटीमेट किया जाएगा और वो आपको एक नंबर भी मिलेगा जब आप कंप्लेंट रेज कर देंगे, तो फिर वहां से आप ट्रेस भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं। तो ये पोर्टल काफी हेल्पफुल है, तो आप भी अपनी सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल राइट इन्फॉर्मर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके फोन के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल पर उसका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।